नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल पर। दोस्तों, हम लोगों ने प्राचीन इतिहास की एक सीरीज प्रारंभ की थी 200 प्रश्नों की, जिसमें से 50 प्रश्न मैंने पूरे करा दिए थे। आज 50 से 100 क्वेश्चन जो है उसको पूरे कराएंगे, और ये इस वीडियो का पार्ट टू है। जिन लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है वो जाकर प्ले लिस्ट में उसको देख सकते हैं, और देर न करते हुए शुरू करते हैं। और उससे पहले एक ज़रूरी बात कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके इसे कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह जिसे गिरिव्रज कहते थे, और चंपा। तो का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजगृह। आगे बढ़ते हैं। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? शीलभद्र, विजयसेन, जीवक या मनु। तो जो मगध का शासक बिंबिसार था उसका चिकित्सक था जीवक। ऑप्शन सी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, अजातशत्रु के वंश क्या नाम था? मौर्य वंश, नंद वंश, हर्यक वंश या गुप्त वंश। तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। इसे पृथ्वीहंता वंश भी कहते थे क्योंकि एक पुत्र अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठता था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54 पे, सैंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी या डी आर भंडारकर। तो विलियम जोन्स ऐसे पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ए कनिंघम, ए एच दानी, ब्यूलर या जेम्स प्रिंसप। का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसप। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों का उद्वाचन किया और उसने सर्वप्रथम उनके लेखों को पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, कालिदास के कुमार संघों में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? सनत कुमार, कार्तिकेय, प्रद्युमन या अभिमन्यु। तो इसका सही जवाब होगा कार्तिकेय, ऑप्शन बी द राइट आंसर। कालिदास के संस्कृत महाकाव्य कुमार संभव में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय या स्कंद भी कहते थे कि जन्म की कहानी है, जो ताड़कासुर नामक राक्षस के वध हेतु जन्म लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। मेघसनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका। तो इसका सही जवाब होगा इंडिका, जो जिसमें मौर्य इतिहास का वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं। बृहद संहिता के लेखक कौन है? वराहमिहिर, अतुला, कल्हड़ या विल्हड़। तो इसका सही जवाब होगा वराहमिहिर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इंडिका का लेखक कौन था? विष्णुगुप्त, मेघसनीज, डायमेकस या पिलनी। तो इसका सही जवाब होगा मेघसनीज। मेघसनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, मेघसनीज दूत था, किसका दूत था? सेलुकस का, सिकंदर का, डेरियस का या यूनानियों का। तो मेघसनीज सेलुकस का दूत था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है? जूनागढ़, भीतरी, नासिक या सांची। तो क्या सही जवाब होगा जूनागढ़। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी के बीच की एक अभिलेख है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के दो लेख भी खुदे हुए हैं। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। आगे बढ़ते हैं। कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य ने बनाया है? तो इसका सही जवाब होगा पल्लव वंश और तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, नीतिसार पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर।
नीतिसार पुस्तक के लेखक थे कामंदक। आसन सी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति झुकाव था? दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल या हुविस्क? तो इसका सही जवाब होगा खारवेल। आगे बढ़ते हैं, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था चेदी वंश से, खारवेल वंश से, सातवाहन वंश से या रठ भोजक वंश से? तो इसका सही जवाब होगा खारवेल वंश। ऑप्शन बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क या समुद्रगुप्त? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जिसके लेखक कौन थे? हरिषेण। आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर प्रश्न, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, स्कंदगुप्त, कनिष्क, पुष्यमित्र या समुद्रगुप्त? तो इसका सही जवाब होगा स्कंदगुप्त। रीड द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, गुप्त काल में किस भूमि को अप्रहत कहा जाता था? बिना ज्योति हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि या ज्योति हुई भूमि? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर। बिना ज्योति हुई भूमि को अपहृत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है या टर्म है। आगे बढ़ते हैं, चीनी यात्री सुंगयून ने भारत की यात्रा की थी? तो क्या सही जवाब होगा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। चीनी यात्री सुंगयून जो था 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। आगे बढ़ते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो क्या सही जवाब होगा ह्वेनसांग। इसने अपने भारत यात्रा के दौरान एक ग्रंथ लिखा था जिसे सी यू की कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या राजतरंगिणी? तो कल्हड़ ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। आगे बढ़ते हैं, आंसर होगा डी। 72 प्रश्न, उदांतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? बंगाल, बिहार, गुजरात या तमिलनाडु? इसका सही जवाब होगा बिहार। बी द राइट आंसर। उदांतपुर, जिसे उदनापुर भी कहा जाता था, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र था जो बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 73, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश के संस्थापक थे नान्य देव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 की ओर, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ये थे हरि सिंह। ये कला और साहित्य के संरक्षक भी थे जिन्होंने पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत भी की थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो उद्धृत हुई थी धर्मशास्त्र के समय। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध समाज किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर या राजगृह? आंसर हुआ कश्मीर। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कहाँ हुई थी? कुंडलवन में हुई थी, याद रखिएगा, कश्मीर के कुंडलवन में। और एक होती थी चौथी संगीति थी। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो अभी आपने इसका आंसर देखा, इसका आंसर होगा कनिष्क। ऑप्शन थी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 पे, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था राजगृह में। ऑप्शन ए द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ऑप्शन बी द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में, गया में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में? का सही जवाब होगा राजगृह, यानी कि राजगीर में। आगे बढ़ते हैं, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगृह में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, यानी प्रश्न संख्या 82, बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहा क्या कहा जाता है?
तो बौद्ध साहित्य में महात्मा गांधी की मृत्यु, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। आगे बढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था आपसी लुम्बनी में। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी, सीमांधर स्वामी, गौतम बुद्ध या पासारनाथ स्वामी? तो सही जवाब होगा गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 85 पर, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पाटलिपुत्र, गया, वैशाली या ऋषिपत्तन? तो सही जवाब होगा ऋषिपत्तन, जिसे आधुनिक समय में सारनाथ कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम मृगदाव भी था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ पर गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? क्या सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध एक देवता का स्थान किस राजा के युग में हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या हर्ष के समय? तो इनको देवता का स्थान मिला था कनिष्क के समय, याद रखिएगा, सही जवाब है बी। आगे बढ़ते हैं 88 क्वेश्चन, ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? वैशाली, एथेंस, स्पार्टा या पाटलिपुत्र? तो ये आंसर हुआ इसका वैशाली। आगे बढ़ते हैं 89 नंबर प्रश्न, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंग उत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या संयुक्त निकाय में? तो 16 जो महाजनपद थे उनकी विवरण कहाँ मिलता है? अंग उत्तर निकाय में मिलता है, याद रखिएगा, ये एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है किस काल में इसकी स्थापना हुई थी? मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल? तो इसका आंसर होगा गुप्त का। यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित है और इसके ध्वंसावशेष यानी कि जो बचे हुए कुछ भी अवशेष हैं वो बड़ा गांव ग्राम में दूर तक आज बिखरे हुए पड़े हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन या अर्थशास्त्र के लिए? तो सही जवाब होगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में था? ईसापुर 4वीं शताब्दी, ईसापुर 6वीं शताब्दी, ईसापुर 3री शताब्दी या ईसापुर 2री शताब्दी? तो सही जवाब होगा ईसापुर 6वीं शताब्दी, ऑप्शन बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, मगध की राजधानी कौन सी थी? चंपा, पाटलिपुत्र, अवंती या गया? तो मगध की राजधानी क्या थी आप लोग याद रखिएगा, पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कौन सी थी? चंपा, वैशाली, अंग, गिरिव्रज या राजगृह? तो इसको गिरिव्रज या राजगृह भी कहते थे। आगे बढ़िए क्वेश्चन 95 पे, नंदवंश के बाद मगध पर किस शासक ने शासन किया? मौर्य, शुंग, गुप्त या कुषाण? तो नंदवंश के बाद मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था, ऑप्शन ए द राइट आंसर। नंदवंश की स्थापना शिशुनाग वंश के अंत करके की गई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन हुआ है? हुआ है भास, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष? तो इसका आंसर होगा विशाखदत्त। विशाखदत्त ने एक मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी थी जिसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचना मिलती है। आगे बढ़ते हैं, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित कौन है? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या भास? तो मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है अभी आपने पढ़ा है, इसका आंसर होगा विशाखदत्त। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य? इसका सही जवाब होगा घनानंद। आगे बढ़ते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था यानी कि चंद्रगुप्त का जो महल था वो किस चीज से बना हुआ था? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? तो सही जवाब होगा लकड़ी का। और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। आगे बढ़ते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन, बोधिसत्व पदम मणि की पेंटिंग स्थित है बादामी में, अजंता में, एलोरा में या सिकरिया में? तो इसकी पेंटिंग आपको मिलेगी अजंता में, और जिस पेंटिंग की बात हो रही है उसमें महात्मा बुद्ध जो है हाथ में कमल लिए हुए बैठे हुए हैं और वो कमल जो है नीले कलर का है, याद रखिएगा आप लोग।
दोस्तों ये आज हमारे 50 क्वेश्चन आज के पूरे हुए और हम लोगों ने आज पार्ट टू भी कंप्लीट कर लिया है और इस तरह हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हुए 200 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास की ओर बढ़ेंगे। आशा है आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।